और भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने का वादा किया गया। इसके साथ ही 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा भी किया गया है। तो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वीर सावरकर को भारत रत्न दिलाने का भी वादा किया है। हालांकि इससे पहले शिवसेना का भी यहाँ पर यही जिक्र था, उनकी भी यहाँ पर यही मांग थी सरकार से कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिलाया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उनकी सरकार केंद्र सरकार से ये मांग करेगी कि वीर सावरकर को भारत रत्न दी जाए, यानी कि ये मांग अपने इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने भी शामिल की है। तो वीर सावरकर के अलावा बीजेपी के संकल्प पत्र में सावित्री बाई फूले और ज्योति राव फूले को भी भारत रत्न दिलाने का वादा किया गया है। तो तमाम वादों के साथ बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर जारी कर दिया गया है, जहां पर इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे और सूखा मुक्त करने की बात की है। जिस तरह से पानी का अकाल हम देखते हैं महाराष्ट्र के कई इलाकों में, कई जिलों में देखने को मिलता है, तो सबसे ज्यादा अहमियत सूखा मुक्त करने की यहां पर बात की गई है। इसके साथ ही नदियों को और नदियों का जो जलस्तर है उसको और बढ़ाने की बात की गई है। शिवसेना ने जिस तरह से मांग की थी पिछले कुछ दिन पहले, हमने देखा था कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाए, तो उस मांग को इस संकल्प पत्र में भी शामिल किया गया है। तो गठबंधन में है शिवसेना और बीजेपी, जहां पर 150 सीटों पर बीजेपी महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव लड़ रही है, तो वहीं 124 पर शिवसेना चुनाव लड़ेगी और गठबंधन में है। लेकिन फिलहाल अपना जो घोषणा पत्र है दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग जारी किया है। कुछ दिन पहले शिवसेना ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जिले स्तर की जो चीजें हैं उन चीजों को इसमें समाहित किया गया है। और चूंकि गठबंधन में बीजेपी के साथ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सरकार बनने के बाद उसको दरकिनार कर दिया जाए। दोनों ही घोषणा पत्र को मिलाकर काम किया जाएगा।